माँ लक्ष्मी, धन की देवी माँ लक्ष्मी। कहते हैं जिस पर भी माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में कभी उसे पैसे की कमी नहीं होती, उसके धन के भंडार हमेशा के लिए भर जाते हैं। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए इंसान बहुत से उपाय करता है जिससे घर में लक्ष्मी का वास हो, लेकिन कई बार हमसे ही जाने अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको आपकी ही कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे भी हो ही जाती होंगी, और इन गलतियों का आपके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। बता दें आपको, शास्त्रों में कई ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद करने की मनाही है। अगर आप इन कामों को सूर्यास्त के बाद करते हैं तो देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं कौन से हैं वो काम जिससे देवी लक्ष्मी हो जाती हैं नाराज। बता दें आपको, सूर्यास्त के बाद सफेद चीजों का दान करना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूरज ढलने के बाद हमें कभी भी किसी को भी दूध, दही या फिर कोई भी अन्य सफेद चीज दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफेद चीजों में चंद्रमा का वास होता है, और अगर हम इन चीजों को दान में दे देते हैं तो इससे हमारा चंद्र नाराज हो सकता है। इसलिए शाम को सूर्यास्त के बाद ये चीजें किसी दूसरे को देने से परहेज करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और चंद्र देवता आपसे हमेशा खुश रहें। शाम के समय बिस्तर पर बैठकर खाना भी नहीं खाना चाहिए। सूरज ढलने के बाद कभी भी बिस्तर पर बैठकर खाना ना खाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हम जिस बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं उसके बाद नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार आपको बताएं तो जहां पर खाना खाते हैं वहां अनेक तरह की बातें करते हैं और जिससे वहां का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। अगर हम उस नकारात्मक वातावरण में सोएंगे तो हमें बुरे बुरे सपने जरूर ही आएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि सोने की जगह के आसपास कभी भी खाना ना खाएं। बता दें आपको, शाम के समय झाड़ू भी ना लगाएं। आपने अक्सर अपने बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और धन का भी घाटा हो सकता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद में कभी भी घर पर झाड़ू ना लगाएं और ना ही किसी को पैसा उधार दे शाम के समय। तुलसी के पत्तों को तोड़ना। बता दें आपको, ज्योतिष विद्या के अनुसार सूरज ढलने के बाद घर में लगी हुई तुलसी के पत्ते कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि रात के समय तुलसी में देवताओं का वास होता है, और उस वक्त अगर हम उनकी पत्तियां तोड़ेंगे तो उससे उनका अपमान होगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पत्तों को हाथ ना लगाएं। इसके अलावा आपको बताते चले तो शाम के समय सोना नहीं चाहिए। जैसा कि आपने देखा ही होगा, बहुत से लोग सूर्यास्त के समय अपने काम काज से लौट कर और थक कर सो जाते हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूरज ढलने और रात होने के समय कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब दोनों समय आपस में मिलते हैं तो अगर आप उस समय सोते हैं तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। इसलिए इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ये कुछ गलतियां थी जो आज हमने आपको बताई। अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो जरा सावधान हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।